नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम रुख करेंगे बिहार की ओर। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर और अन्य बहुत सारी पदों का वैकेंसी का। तो आज इसके अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में और क्या होगी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कितनी होगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और क्या होगा इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, कितनी सैलरी होगी आपकी ज्वाइन होने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, साथ ही आपको बताएंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे ताकि आप भर सकें इस फॉर्म को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारा आई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फ्रेंड्स, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जीरो होगी। किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जनरल के हों, ओबीसी हों, एससी, एसटी, पीएस, सबके लिए ज़ीरो फ़ीस होंगी। ठीक है, किसी कैंडिडेट को कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं करना है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन 11 सितंबर से चालू हो जाएगा और अप्लाई का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगी इसकी 25 सितंबर है। 25 सितंबर तक आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस भी 25 सितंबर से पहले पहले आपको भर लेना है ताकि आप इजीली इस फॉर्म को कंप्लीट कर पाएँ। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल सून है, जब ये आएंगे तो इसके लिंक्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो फ्रेंड्स, एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल पुरुषों के लिए और मैक्सिमम एज लिमिट फीमेल के लिए 40 साल है। ठीक है, मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 ईयर। इसके अंदर आपका एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एज में छूट दी हुई है, तो वो हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितना छूट दिया हुआ है किस कैटेगरी के लिए। तो आगे हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 105 है। ठीक है, 105 वैकेंसी है इसके अंदर बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने। अब हम बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर में 91 पोस्ट हैं। ठीक है, 91 सीटें फूड सेफ्टी ऑफिसर की है। इसके अंदर आपको बैचलर डिग्री मांगा हुआ है जो कि आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। आपने बैचलर डिग्री डेयरी टेक्नोलॉजी में किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल टेक्नोलॉजी में किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर साइंस से किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री से अगर आपने किया बैचलर डिग्री तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री अगर आपने किया है केमिस्ट्री में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके अगेंस्ट में कोई आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, बात करते हैं फूड एनालिसिस्ट की। तो इसके अंदर 6 सीटें हैं फूड एनालिसिस पोस्ट की, जिसके अंदर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी और इसके अगेंस्ट में कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी ज़्यादा जानकारी के लिए और अभी हम नोटिफिकेशन देखेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर फूड एनालिसिस के अंदर मास्टर डिग्री मांगा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं असिस्टेंस पब्लिक एनालिसिस्ट की। तो बेसिकली इसके अंदर 4 सीटें हैं असिस्टेंट पब्लिक एनालिसिस की। इसमें आपका बैचलर इन साइंस मांगा हुआ है। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए साइंस से विद केमिस्ट्री के साथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका मांगा हुआ है इस पोस्ट के लिए। बात करते हैं सीनियर एनालिसिस की। तो ये भी इसके भी आपका बैचलर डिग्री मांगा हुआ है साइंस में। ठीक है, और केमिस्ट्री इसमें भी आपको मांगा, दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बैचलर इन डिग्री में किया हुआ है। तो बात करें केमिस्ट असिस्टेंट केमिकल एनालिसिस की, तो इसके अंदर फ्रेंड्स मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री आपका मांगा हुआ है एंड 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 ईयर का और साथ ही आपने मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से किया हुआ है तो आप असिस्टेंट केमिकल एनालिसिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एनालिसिस की पोस्ट है, इसमें आपकी 1 सीट है जूनियर एनालिसिस की, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगा हुआ साइंस के साथ, साथ ही आपका बायो केमिस्ट्री होना चाहिए और आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा हुआ है। अगली पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीटें हैं जो कि मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी मांगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसका देखेंगे फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन पे। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने
जारी किया था, तो इसमें हम सारा डिटेल अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर जो पोस्ट का नाम है सहायक लोक विशेषज्ञ, इसके अंदर देखिए 44,000 रुपये इसकी सैलरी है, ठीक है, जिसके अंदर चार पोस्ट थी। ये हिंदी में है तो इसमें हिंदी में सारा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो सब पोस्ट के लिए देखिए, वरीय विश्लेषक के लिए इसमें भी 44,000 है, सहायक रसायन विश्लेषक के लिए भी 44,000 है, एक सीट है इसके अंदर। जनरल के लिए एक सीट है, इसमें आपका कैटेगरी वाइज भी बताया हुआ कितनी सीटें हैं। इसमें देखिए कनी विश्लेषक में भी 44,000 हैं, इसकी भी एक सीटें हैं, और इसमें जो मांगा हुआ है ये आपकी हिंदी में लिखी हुई है, ये सारा कुछ देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपका स्नातक बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, खाद्य विश्लेषण से 3 साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई है फ्रेंड। ओके, आगे चलते हैं इसमें। तो बेसिकली इसमें जो सैलरी है आपकी 40,000, इसमें माइक्रोबायोलॉजी की 60,000 है, देखिए माइक्रोबायोलॉजी की जो सैलरी है, और खाद्य विश्लेषक की इसमें इसकी सैलरी 66,000 रुपये है, और इन सब की जो सैल पोस्ट थी सहायक लोक विशेषज्ञ इसमें आपकी 44,000 रुपये, ठीक है। तो 44,000 से 46,000 रुपये तक इसमें आपकी सैलरी है इसके अंदर। उम्र सीमा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें आपका 37 वर्ष है, और अनपिछड़ 40 वर्ष है, और जनजाति के लिए 42 वर्ष है। तो फ्रेंड्स इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो भी आपकी कैटेगरी बताई हुई है इसके अकॉर्डिंग आपका इस डिटेल में दिया हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इसमें सारा कुछ इसमें बता दिया हुआ है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया, किस प्रकार आपका इसमें आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कैसे आप ज्वाइनिंग होंगे इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें उक्त पदों के हेतु अंकित अवर्ता के संबंध में वर्णीय विशेषण में बैचलर मास्टर समझ में डिग्री में प्राप्त के लिए इसमें आपका देखिए 70, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा एक, ठीक है, उस एग्ज़ाम में आपके 70 अंक आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वर्णित विशेषण में उच्चतर डिग्री के लिए 10 अंक, इसमें आपका 10 अंक उसके लिए चाहिए। फिर आपका सरकारी संस्था में खाद्य विशेषण के अनुभव के लिए प्रत्येक पूर्ण 6 मास के लिए 2 अंक तथा अधिकतम 20 अंक, तो टोटल मिलाकर के 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए ये जो पोस्ट था ये किसके लिए था, सहायक लोक विशेषज्ञ वरीय विशेषज्ञ के लिए आपका 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो है इसमें आपका 70 नंबर का इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी हेतु माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके उच्चतर डिग्री के लिए आएंगे और कुछ आपके सरकारी संस्था में कार्य अनुभव के लिए, उसके लिए आपका 20 अंक होंगे, तो टोटल मिलाकर के 100 अंक का आपका ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन था ये बिहार पटना के द्वारा कौशल किशोर के द्वारा जारी किया गया था, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा नोटिफिकेशन और एक डिटेल बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के लिए, अभी के लिए गुड बाय।